सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर हम आज से 20 या 30 साल पहले की बात करें तो वो दिन आज से ज़्यादा मज़ेदार हुआ करते थे। हमारे स्कूल के दिनों में हमारे घर की दीवारों पर एक कैलेंडर हुआ करता था। इस कैलेंडर की मदद से हम दिन, महीने, सप्ताह और साल की गणना किया करते थे। बच्चे कैलेंडर में सिर्फ छुट्टियों के दिनों को देखकर ही खुश हो जाते थे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है। हमारे घरों में मोबाइल, कंप्यूटर और न जाने कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम अब इन कैलेंडर को भूल ही गए हैं। तो दोस्तों, पुराना समय तो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम पुराने कैलेंडर को थोड़ा एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यही है, हाउ टू मेक कैलेंडर। तो दोस्तों, इस कैलेंडर को बनाने के लिए हमें कुछ लकड़ी यानी वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है इन 12 महीनों को दर्शाने वाला कैलेंडर। तो दोस्तों, इस लकड़ी के टुकड़े को हमने चारों ओर से 4 सेंटीमीटर पर कट किया है। इस तरह के हमने 3 पीस कट किए हैं। इसके बाद हमें कुछ लकड़ी के पीसेस इस तरीके से कट करने होंगे। हमने इसे चारों ओर से 2 सेंटीमीटर रखा है। इस तरह के दोस्तों हमने 5 पीसेस को कट किया है। इसके बाद हमने एक लकड़ी का टुकड़ा कुछ इस तरह कर लिया है और इसका साइज भी हम यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह के दोस्तों हमें 2 पीस लेने होंगे। ये हमारा लास्ट लकड़ी का टुकड़ा है जो हमने कुछ इस तरह से कट किया है, तो इसका साइज भी हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम जोड़ते हैं। तो इस लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने फेविक्विक का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी जो लकड़ी के पीसेस हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अगर हम फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो चलिए, अब हम फटाफट से इन सभी पीसेस को आपस में जोड़ के आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी पीसेस को अच्छी तरीके से जोड़ लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा रेखमाल का टुकड़ा। दोस्तों, रेखमाल की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ने वाली है क्योंकि हम इसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग भी देंगे। तो यहाँ पर रेखमाल को कुछ इस तरह से हमें चलाना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर जब अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी, इसके बाद हम आगे की प्रोसेस को पूरा करेंगे। दोस्तों, रेखमाल लगाने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। चलिए, अब हमारा रेखमाल लगाने का काम भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लेने होंगे चारों तरफ से एक ही साइज वाले, जिनको हम चाकोर भी बोलते हैं, पीसेस। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें इसके ऊपर कुछ नंबर लिखने होंगे। तो यहाँ पर नंबर हमें कुछ इस प्रकार से लिखने होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने होंगे और 9 के बाद हमें 0 लिखना होगा। चलिए, मैं फटाफट से आपको मार्कर की मदद से लिख कर दिखा देता हूँ।
सो गाइस यहाँ पर हमने 1 से लेकर 9 और 0 तक यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हमारा जो तारीख यानी कि डेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद हम दूसरे लकड़ी के पीसेस लेते हैं और उस पर लिखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमारे ये वाले जो लकड़ी के टुकड़े हैं इन पर हम लिखने वाले हैं सप्ताह के दिन यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे। तो यहाँ पर हमें अपने सातों दिन के नाम लिख देने हैं। चलिए मैं फटाफट से इसको भी आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने सप्ताह के सातों नाम लिख लिए हैं जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लिखने होंगे महीनों के नाम जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी से लेके हमें दिसंबर तक लिखना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको जनवरी से स्टार्टिंग करके दिसंबर में लास्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पर डाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों के नाम भी लिख लिए हैं। अब हमारा जो कैलेंडर का लिखने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको इसको जोड़कर दिखाता हूँ किस तरह से हमारा कैलेंडर ये जोड़ा जाएगा। तो हमने जो पहले वाले हिस्से को जोड़ा था उसको कुछ इस प्रकार से रखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे वाली साइड में हम यहाँ पर महीने रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रखने का तरीका भी बताऊँगा, आपको डेट किस तरीके से चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर हमने सबसे नीचे वाले हिस्से में महीनों को रख दिया है। इसके बाद दोस्तों सेकंड वाले जो पार्ट है इसमें हम रखेंगे तारीख को यानी कि डेट को। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे आज तारीख है 5 अक्टूबर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 05 लिखकर लगा देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको 3 लगा कर दिखाया है। तो आज की ही तारीख हम सेट करेंगे, मैं आपको सेट करना भी बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों हम सबसे ऊपर रखने वाले हैं हमारा दिन कि हमारा कौन सा दिन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मैं इस वीडियो को मैंने सैटरडे के दिन शूट किया है तो यहाँ पर सैटरडे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें तारीख को अगर चेंज करना है तो हमारा जो तीसरा वाला ब्लॉक है जैसे कि 3 वाला, तो हम इसको निकालेंगे और इसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे। अगर हमें दिन चेंज करने होंगे तो ऊपर की साइड में हमारे जितने भी ब्लॉक हैं हम उनको अदला बदली कर देंगे। चलिए मैं आपको डेट को चेंज करके दिखाता हूँ। सो गाइस देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक खूबसूरत सा कैलेंडर आपको बनाकर दिखा दिया है, वो भी लकड़ी के टुकड़ों की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।